हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अमृत से, नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया, ऐसी चीजें जो सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा मजे की वीडियो होने लगी है। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो आपको सिर्फ हमारे इनक्रेडिबल इंडिया में ही देखने को मिलेगी। वीडियो में हम देश की महानता दर्शाने वाले चीज़ों के साथ साथ उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुधार चाहिए तो कमियों की चर्चा भी ज़रूरी है। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से आपको इनके जरिए रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थिंग्स यू विल सी ओनली इन इंडिया। आमतौर पर तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों को देखकर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, और असल में आपका भी सबसे पहला कदम यही होना चाहिए। लेकिन इन जनाब से मिलिए जिन्होंने अपने खेत में तेंदुआ देख सबसे पहले उसके साथ सेल्फी क्लिक करने का विचार बनाया। अब जरा इस हैवी ड्राइवर से मिली जिसने महज जल्दी ओवरटेक करने के लिए एक बाइक वाले की जान से खिलवाड़ कर डाला। खैर, जिस हिसाब से महाशय बस चला रहे थे इन्हें उसी हिसाब के नतीजे भुगतने पड़े। इन जनाब से मिलिए जिन्होंने थिएटर के बाहर खड़े न्यूज वाले के माइक को अल्कोहल टेस्टिंग मशीन समझ लिया और इसमें फूंक मारने लगा। इन्हें कुछ कारणों की वजह से तो कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। भारत के सड़कों पर चलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई आपके ऊपर गुटखा न थूक दे। खैर, इन जनाब के होश तो उस समय उड़ गए जब इन्होंने गुस्सा होकर ऑटो को रुकवाया और इस हरकत के पीछे एक लड़की का हाथ पाया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन शाने अली नाम के इन जनाब से मिले जो अपने प्रधान के चुनाव प्रचार के दौरान राशन को रशियन समझ बैठे और अब इसमें आकर कुछ युवकों के बीच रशियन बांटने तक का दावा कर बैठे। हालांकि कुछ ही देर बाद जब वीडियो वायरल हुई तो अली जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और जनाब अपनी सफाई में कुछ ऐसा कहते हुए दिखाई दिए। भैया के पता नहीं था रशियन किसे कहना है, और मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ भैया मैं नमाज पढ़ता हूँ और मैं इन बातों को नहीं करता हूँ माई बहनों, और इन्होंने कबाई जिसे भी लोगों ने थे हमें क्या पता है क्या क्या कहना है रशियन किसे कहना है। घोड़े पर सवारी करने वाले लोग तो आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक बैल पर कुछ इस तरह से चौड़े होकर घूमते हुए लोग आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगे। शराबी तो वैसे दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन शराब की एक बूंद भी वेस्ट ना हो इस बात का ध्यान सिर्फ भारत में ही रखा जा सकता है। साफ समझ गए भाई, प्लीज। अबे आते यार, ओ भाई साहब, बहुत वेस्ट ही हो। नहीं, वो वेस्ट कर रहे थे ना शराब को तोड़। हमारी इंडियन पुलिस के पास कंप्लेंट्स पे जरा हटकर आती हैं, यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए। एक खेत आया और वहाँ पे मेरा चोरी हो गई। काय की चोरी हुई? काय की चोरी थी बता। बंडल माचिस कौन लगी वहाँ पे? बंडल माचिस की। बंडल माचिस के लिए सोना नंबर लगाया तू? इसकी माँ का बंडल फोन लगा। अरे तो बंडल माचिस के लिए सोना नंबर लगाया तू? दो झापड़ के लड़का मेरा है, दो झापड़ के उठ बैठा कर बंद करो मेरा बेटा। एक नजर इन जनाब पर डालिए जिनके रास्ते में एक गाड़ी आई तो उन्होंने इस गाड़ी को उठाकर किनारे किया और अपना रास्ता बना लिया। जोर भी रखते हैं भाई क्या मस्त है यार। अगर आपको भी सुनसान सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते समय कुछ इस तरह का शख्स दिखाई दे तो कृपया करके फौरन यहां से 9211 हो जाएं, क्योंकि जो शख्स आपको शराबी या कोई शक में जरूरतमंद लग रहा है वो एक चोर डाकू भी हो सकता है। चोरी करने का ऐसा तरीका आजकल भारत में काफी प्रचलित है। जब आपके पास RC इंश्योरेंस और लाइसेंस सहित सभी कागजात रेडी हो, वाइपर चला देते हैं अगले तो वो सामने कुछ नजर नहीं आता।
ये क्या शुरू हो गया भाई, ये कौन सा डांस है? बगैर प्रैक्टिस के अजीबो गरीब स्टंट करने वाले ऐसे नमूनों के भी आपको भारत में भरमार मिलेगी। पूरा करोड़ आएगा बीरजी जितना वालों तुम दो। भारत में हाथियों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ सड़कों पर महावत और हाथी दिखा जाना आम बात है, इसलिए अगर किसी खेत में फंसे ट्रैक्टर को कोई क्रेन नहीं बल्कि हाथी खींचकर बाहर निकालता दिखाई दे तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि भारत की कुछ जगहों पर ये बड़ी ही आम बात है। लेकिन इसके दौरान हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस प्यारे जीव को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। हमने अपनी लाइफ में हाथी लाइव नहीं देखा। चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 12 फुटा अजगर देख फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फोन किया गया, लेकिन अपने साथी के साथ वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने अपनी बाइक से उतरकर तजुर्बा न होने के बावजूद भी अजगर को पकड़कर सड़क से दूसरी तरफ छोड़ दिया। दूसरी तरफ उसको छोड़ा। भारत में तेंदुआ दिखाई देने की घटनाएं काफी साधारण हैं, लेकिन महाराष्ट्र के तारागढ़ में एक तेंदुए जैसे खतरनाक जीव के साथ कुछ लोग ऐसा करते दिखाई दिए कि ये बताना तब मुश्किल हो गया कि जानवर वो है या हम इंसान। वायरल क्लिप के साथ दावा किया गया कि तेंदुआ कच्ची शराब पीकर टल्ली हो गया और भूल गया कि वो तेंदुआ है, जिसके चलते बेचारा भीगी बिल्ली बनकर घूमता रहा। लेकिन आपको बता दें कि हकीकत ये है कि वीडियो मध्य प्रदेश के देवास की है और तेंदुआ कोई शराब के नशे में नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी के चलते ऐसा बर्ताव कर रहा था। आसान शब्दों में कहे तो ये तेंदुआ अपनी याददाश्त खो चुका था और ये भी भूल गया कि वो एक तेंदुआ है, बस इसी वजह से उसका बर्ताव भी बदल गया। यही कारण है कि वो गांव के लोगों को देखकर हमला करना तो दूर, उन पर दहाड़ा तक नहीं। अगर आप भी ट्रेन में खिड़की पर बैठकर सफर करने के शौकीन हैं, तो आगे से शायद आप थोड़ी सावधानी के साथ सफर करेंगे। भारत जुगाड़ आविष्कारों के लिए पूरी दुनिया में समय समय पर अपनी तूती बुलवाता आया है। कैसे, ये बात आप इन बाबा जी को देखकर समझने वाले हैं। देखा ना कैसे बाबा ने गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर ही पंखा लगा लिया। इतना ही नहीं, पंखा सोलर प्लेट से चलता है, यानी जितनी तेज धूप पड़ेगी पंखा उतनी ही तेज स्पीड पर चलेगा। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर आते हैं ये जनाब, जिन्होंने बिजली जाने की समस्या और बिल से परेशान होकर बैल से चलने वाला वाटर पंप ईजाद कर लिया। अगले नंबर पर आते हैं ये जनाब, जिन्होंने बिजली से चलने वाले प्रेस को एलपीजी गैस से चलाने का जुगाड़ निकाल लिया। अब उनकी प्रेस बगैर बिजली के सस्ते दाम पर चलती हैं। घर के सभी मेंबर्स एक ही टू व्हीलर पर बैठकर जाना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, ये जनाब आपके लिए एक नया जुगाड़ लेकर आए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ट्रैफिक पुलिस आपको इसे चलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा। एक एक्सकेवेटर का ऐसा इस्तेमाल शायद पहले किसी ने किया होगा। लोग मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं अभी तेंदुओं के साथ मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं। एक बंदे ने उस दिन तेंदुआ पकाया, उसके पीछे लग गया एक ने बोरी में डाल के तेंदुआ उठा के बाहर फेंका, भाई वो कहीं फंस गया था। डरते ही नहीं है, डरते ही नहीं है। इधर पार्टी के हाथ में आ जाए लोगों की वो शराब वो इकट्ठी कर कर जाया कर रहे थे ना, वो आया उसके ऊपर वेस्ट कर देते है ना, मतलब वो शराब को ताकि उधर कपड़ा पुलिस आ रहा है, भागते ही नहीं था। मतलब यार मतलब एक से एक जुगाड़ी बैठा है भारत से। आपका इसका क्या लाभ ले रहा है बता लो, बहुत ज्यादा क्या रखने का तो यार।